बैठक बुलाई गई है। बैठक में तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंच चुके हैं। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सूखे के कारण किसानों की कर्ज माफी की भी मांग रखी है। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा। विशेष चर्चा 9 बजे से 11 बजे तक की जाएगी। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने सूखे के कारण किसानों की कर्ज माफी की मांग रखी है। कारण उत्पन्न स्थिति पर विमर्श करे। इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए कुल 2 घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है और सरकार को उत्तर के लिए भी समय इसमें निर्धारित हमने कर दिया है और थोड़ा रैशनलाइज किया जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। राष्ट्रीय जनता दल 35 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 15 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 15 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 11 मिनट, CPIML 5 मिनट, लोक जनशक्ति पार्टी 1 मिनट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 5 मिनट, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 1 मिनट, निर्दलीय 2 मिनट और सरकार को उत्तर के लिए भी 30 मिनट हमने इसमें रखा है। अब माननीय नेता विरोधी दल अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य में सुखाड़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर विमर्श करे। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप सब लोग सदन में सदन के सदस्य सब लोग जानते हैं कि इस बार जो वर्षा होनी चाहिए थी उस बार सामान्य वर्षा से भी कम वर्षा हुई है और पूरे राज्य में जो है सुखाड़ की स्थिति है। और सदन के माध्यम से सरकार के सामने आज हम सब लोगों की मांग है, सबसे पहला मांग जो है कि इनको बिहार राज्य को सुखाड़ घोषित कर देना चाहिए और जो भी हमारे किसानों पे जो ऋण जो भी है उसको भी माफ कर देना चाहिए। समान वर्षा से महोदय, आप देखिएगा कि वर्षा तो प्रकृति का प्रकृति के हिसाब से कम या ज़्यादा होता है, लेकिन किसानों को बचाने की जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार की होती है। और जिस तरीके से इतना बड़ा आपदा पूरे प्रदेश में हुआ है और सरकार को मालूम है कि कौन से महीने में बाढ़ आता है, कौन से महीने में सुखाड़ आता है और पूरा बिहार जो है बाढ़ और सुखाड़ से त्रस्त रहता है, ये जानते हुए भी राज्य सरकार की इस बार कोई तैयारी नहीं दिखी महोदय और पूरी तरीके से जो राज्य सरकार है वो विफल रही। आप देखिएगा जो भी स्थिति है किसानों की पहले से बदतर थी और अब जो सुखाड़ आया है ना रोपाई हो पा रहा है ना बुआई हो पा रहा है और पूरा जितना बिछड़ा जो है वो पूरा सूख गया है। और इनका खुद का महोदय गाइडलाइन है कि अगर 19% वर्षा अगर कम होती है तो आकस्मिक फसल योजना के तहत जो किसान को जो सब्सिडी देने की बात थी वो जून अंत तक ही दे देना चाहिए था, लेकिन आज जो देखिएगा महोदय इतने महीने हो गए अब जाकर के आनंद फादन में इन लोगों ने जो डीजल अनुदान का ऑनलाइन का काम जो है अब जाकर के प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। जो किसानों का जो रजिस्ट्रेशन करना था महोदय, लगभग बिहार में करोड़ों किसान हैं और अब तक महोदय केवल 10,000 किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है, निबंधन हो पाया है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है महोदय, जब हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ किसान इतने करोड़ों की संख्या में हैं तो कब जाकर के ये सारा काम होगा? अब जाकर के जो सरकार का जो है नींद खुला है महोदय, आप देखिएगा महोदय कि 85% धान की बुआई नहीं हो पाई है,
पूरा बिछड़ा महोदय सूख गया है और इसको बचाने का कोई उपाय भी इन लोगों ने नहीं किया था महोदय। और जो यहाँ इरिगेशन मंत्री है महोदय, उनका 5 जुलाई 2018 को प्रभात खबर अखबार में ये बयान आया था कि इस साल खरीफ सिंचाई के लिए खास व्यवस्था की गई है, और उसी दिन महोदय छपा कि प्रदेश के 21,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई का पानी मिलेगा, लेकिन यह दावा तो सिर्फ और सिर्फ कागजों में निपट करके रह गया है महोदय। अगर उतने एरिया में अगर सिंचाई की व्यवस्था होती तो अब तक मात्र 15% एरिया में ही धान की बुआई नहीं होती महोदय, तो लगभग आप देखिएगा कि 85% जो धान की बुआई नहीं हो पाई है महोदय। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नलकूप जो है वो खराब पड़ा हुआ है, ट्यूबवेल खराब पड़ा हुआ है, बोरिंग खराब पड़ा हुआ है, और उस समय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम लोगों ने फैसला लिया। इतने दिनों से ये महोदय खराब पड़ा हुआ है, आखिर क्या व्यवस्था की गई सरकार द्वारा जिससे हमारे किसानों को सुखाड़ जब आए तो उससे कम से कम निपटने का काम किया जाए। और ये डीजल सब्सिडी लेकर के अब किसान क्या करेंगे, जब पानी ही नहीं है, पानी की व्यवस्था ही नहीं है, तो निकालेंगे कैसे पानी को। तो अभी जो बाण सागर से जो एग्रीमेंट हुआ महोदय, उसके तहत जो बिहार को जितना पानी मिलना चाहिए उतना एक बूंद पानी अब तक नहीं मिला महोदय बिहार को। ये डबल इंजन की सरकार है। ये लोग दावा करते थे कि बिहार में आएंगे तो तेजी से विकास होगा, विकास का बाढ़ आ जाएगा। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है महोदय, केंद्र में किसकी सरकार है महोदय, और यहाँ बिहार में तो इन्हीं लोगों की सरकार है। पिछले बार जब बाढ़ आया था तो प्रधानमंत्री जी घूम करके चले गए, पूर्णिया से हवाई यात्रा करके चले गए, मुख्यमंत्री जी भी साथ थे। 500 करोड़ पैकेज का जो बाढ़ से निपटने का राहत का घोषणा किया गया, आज तक एक पैसा वो बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिला है महोदय। ये स्थिति है, केवल और केवल ये सरकार सिर्फ घोषणा करना जानती है। बिहार इतना पिछड़ा राज्य है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है महोदय, ना स्पेशल पैकेज की जो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की थी कि 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज देने का काम करेंगे, एक पैसा आज तक बिहार को नहीं मिल रहा है महोदय। और यहाँ कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये जनता के लिए उत्तरदायी है, यह सरकार है, जवाबदेही है। तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं महोदय, ये लोग केवल और केवल अपने कुर्सी को बचाने का काम करना चाहते हैं महोदय। कुर्सी पर कैसे बैठे रहे, जनता त्रस्त होती रहे, लेकिन सरकार लोग जो बैठे वो मस्त रहे, यही इन लोगों की चिंता है महोदय। आज करोड़ों लोग इससे तबाह है महोदय, जो अन्नदाता है उनके लिए ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, आत्महत्या के कगार पर आ गए हैं, उनके बच्चे जो हैं भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। केंद्र सरकार तो लगातार किसान विरोधी नीतियों से लगातार इसके वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं पूरे देश में, लेकिन बिहार में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जा रही है महोदय। जब से बीजेपी की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा, और इतना गंभीर मसला होता जा रहा है महोदय। इस पर जरा ध्यान देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि सरकार की क्या तैयारी है। कृषि रोडमैप की खाली मीटिंग होती है, घोषणा होती है, लेकिन एक भी कृषि रोडमैप को लेकर के जो तैयारी, जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, वो एकदम पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है महोदय। कोई काम नहीं हो पा रहा है पूरे बिहार राज्य में, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुख्यमंत्री जी को अब तक इंतजार नहीं करना चाहिए था महोदय। लगभग इसमें 53% बारिश जो है महोदय इस बार सामान्य वर्षा से कम हुई है। राज्य सरकार चाहती तो अगर 45% पे ही बिहार कम बारिश हुई होती तो सूखा से घोषित कर दी होती सुखाड़ का लेकर के महोदय, लेकिन ये लोग सरकार के लोग कोई गंभीर नहीं है महोदय इस विषय को लेकर के। उस दिन भी हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था महोदय, जिसको आपने अनुमति नहीं दी, लेकिन अच्छा होता अगर सब लोग मिल करके एक अच्छा संदेश जाता पूरे किसानों के बीच कि हम लोग सब लोग मिलकर के गंभीर है और कार्य स्थगन जो प्रस्ताव है स्वीकृत होता। लेकिन हम फिर भी धन्यवाद करेंगे आपको महोदय कि कम से कम बहस करने की चर्चा अनुमति आप लोगों ने कराने का काम किया। लेकिन फिर भी महोदय ये बहस का विषय नहीं है, डिबेट का विषय नहीं है,
हम लोग समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप जान रहे हैं कि बिहार में सुखार है, किसान जूझ रहे हैं, मरने के कगार पर हैं, तो बहस में भी चर्चा में भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। राज्य सरकार को इमीडिएटली जल्द से जल्द बिहार को सूखा घोषित कर देना चाहिए महोदय। और हम लोगों की मांग है महोदय कि जितना बीज फसल का मुआवजा जो नुकसान हुआ है महोदय, उसका मुआवजा किसानों को जल्द से जल्द देना चाहिए। किसानों का ऋण माफ करना चाहिए महोदय। निःशुल्क 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए महोदय। खराब पड़े नलकूप की यदुस्तर पर मरम्मति कराना चाहिए महोदय। बांध सागर परियोजना के तहत मध्य प्रदेश से सोन नदी को प्राप्त होने वाले जल को अविलंब उपलब्ध कराने हेतु पहल करना चाहिए। अब तक महोदय इनकी बीजेपी की वहां सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, अभी तक हम लोगों को ये नहीं दिखा कि राज्य सरकार की क्या पहल रही है मध्य प्रदेश सरकार से। आखिर बात क्यों नहीं करती है? इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो आखिर बात करने में क्या दिक्कत है? बात करने में क्या दिक्कत होती है इन लोगों को, हमको समझ में नहीं आता। अभी तक कोई एक इनिशिएटिव सरकार द्वारा नहीं दिखा, एक कदम नहीं दिखा कि अपने ही अलायंस की सरकार से ये लोग बात कर सके, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा महोदय। हर जगह इसी तरीके का खाली जुमलेबाजी करना, खाली घोषणा करना कि किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, किसानों को हम ये करेंगे वो करेंगे, बिहार को फिर से कृषि प्रधान जो है सब लोगों को मदद करेंगे, लेकिन अब तक कहाँ कुछ हो पा रहा है महोदय। तो ये जो हम लोगों की मांग है महोदय कि संपूर्ण राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए, किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु निःशुल्क खाद बीज कीटनाशक इत्यादि सुलभ कराना चाहिए महोदय। पशुओं के लिए भी महोदय निःशुल्क चारा की व्यवस्था करानी चाहिए। और अभी तो देखिए कि कितना बारिश होगा नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रह गई और कुछ अभी अब तक नहीं करेगी, तो मेरे ख्याल से ऐसी सरकार को अब इस गद्दी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। जो जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है, उसकी कोई जिम्मेदारी जो अपने आप को निभाती नहीं है, उसको यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। अब चाचा जी नहीं है, लेकिन चाचा जी की पता नहीं कब अंतरात्मा जागेगी। बिहार जल रहा है, बिहार उफान पे है महोदय, लोग जो है पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, गुर्बत है महोदय, लेकिन चाचा जी का अंतरात्मा नहीं जाग रहा। पता नहीं क्या हो गया है, तरह तरह के लोग बात करने लगे हैं, कभी उधर भागेंगे कि इधर भागेंगे कि इसी में सारा सरकार जो है, इसी में पूरा सरकार का ध्यान है। 4 साल में 4 सरकार हम लोगों ने देख लिया, 12-13-14 साल से मुख्यमंत्री है महोदय, अब तक ना बाढ़ की समस्या को इन्होंने दूर किया, ना सुखाड़ की समस्या को दूर किया। अभी भी स्थिति यह है कि पता नहीं कब कहां जाएंगे नहीं जाएंगे, इसी में जोर तोड़ में लोग लगे हुए हैं महोदय। बिहार की चिंता ही करना लोगों ने छोड़ दिया है, अपनी कुर्सी की ही चिंता किए जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी कुर्सी की ही चिंता करेगा, बिहार की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा महोदय, जवाबदेही नहीं होगा, तो किस प्रकार से हमारा बिहार आगे तरक्की करेगा? हम लोग पिछड़ा राज्य है, और जिस प्रकार से अगर कृषि का भी बजट देख लिया जाए या और मंत्रालयों का भी बजट देख लिया जाए, तो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं महोदय। तो ये जो स्थिति जो बनी हुई है महोदय, ये गंभीर मसला है, और इसको तो हम चाहेंगे कि जितने भी सदस्य यहाँ बिहार विधानसभा के हैं, सब लोग एक सुर में मांग क्या करना है, सरकार पर दबाव डला करके तुरंत बिहार में सुखाड़ घोषित करवाना है ताकि किसानों को लाभ पहुंचे। और हमको तो नहीं लगता कि जितने भी सदस्य यहाँ महोदय बैठे हुए हैं, ये जरूर ये चाहते होंगे कि किसान को जल्द से जल्द लाभ पहुंचे। तो लाभ तो कब पहुंचेगा? जब केंद्र सरकार का आंख खुलेगा, मध्य प्रदेश सरकार का आंख खुलेगा, बिहार सरकार का आंख खुलेगा। बिहार को कम से कम पानी तो दिलवा दीजिए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देने का वादा किए थे, कम से कम जो बिहार का अधिकार है, जो मिनट ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो करारनामा जो हुआ है, कम से कम उसके तहत कुछ तो बूंद पानी दिला दीजिए ताकि कुछ तो किसानों का लाभ पहुंचे। लेकिन ये नहीं हो रहा है महोदय, इसलिए हम लोगों की एक सुर में मांग है महोदय कि बिहार को अविलंब जल्द से जल्द, डिबेट क्या करना है, आप भी क्या बात कीजिएगा, आप लोग भी वही बात कीजिएगा, तो सब लोगों की सहमति होकर के इस पे महोदय सरकार को बोल देना चाहिए कि आज ही जब सरकार उत्तर दे
तभी बिहार को सूखाग्रस्त करने का वो अनाउंसमेंट कर दे महोदय। और जितना भी महोदय जो स्थिति जो बनी हुई है, कम से कम नीतीश जी को इनिशिएटिव लेकर के बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे को करना चाहिए। ये तो राष्ट्रीय जनता दल की मांग रही है महोदय कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, उनकी मांग थी महोदय। अब तो इन्हीं लोगों की सरकार है, अब पिछड़ा राज आगे कैसे बढ़ेगा? अब मान लीजिए कि अब चाचा के चेहरे को क्या हो गया कि बिहार जो है पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सबसे अंतिम पायदान पे आ गया महोदय, अंतिम नंबर पे आ गया। तो शर्मसार हो रहा है महोदय, बिहार पब्लिक अफेयर मैटर्स में इतना ढिलाई बढ़ती जा रही है, बिहार पिछड़ता जा रहा है। और अब पता नहीं कब दिलाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्यों नहीं केंद्र, यहाँ बीजेपी के लोग जो बैठे हैं मंत्री हैं, अपने आकाओं को जाकर के बोले कि भाई बिहार की ये स्थिति है, तुरंत से तुरंत मदद कीजिए, सहयोग कीजिए। तब ना पता चलेगा कि डबल इंजन की सरकार है। अब तो ऐसा लग रहा है कि डबल इंजन की सरकार जो है, इंजन जो है अपराध में लग गया, बिहार को डुबाने में लगा हुआ है। इसलिए सब लोगों से यही मांग करते हैं, ज्यादा समय ना व्यस्त करते हुए, कि बिहार में जो किसानों की स्थिति है, अब ऐसा ना हो जाए कि बिहार में भी इस तरह का न्यूज आता रहे कि किसान जो है खुदकुशी करने का काम कर रहे हैं। फिर हम किसान के यहाँ हम लोग जाएंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, तो आप लोग ये मत कहना कि आप लोग जो है नकारात्मक राजनीति कर रहे हो और भड़काने का काम कर रहे हैं। जो स्थिति वाकई में जो बनी हुई है, पहले तो बालू बंदी करके मजदूरों को लेकर के आप लोगों ने डुबाने का काम किया, अब जो सुखाड़ का मामला आया है, अब किसानों को आप लोग जो है मारने के लिए आप लोग जो है भूख से, और उनका जो काम होना चाहिए कम से कम वो तो कीजिए। मौका है आपके पास, सारा सरकार है, पावर है, सत्ता है, तो आप लोग कम से कम कीजिए। अब मान लीजिए 10,000 किसानों का निबंधन आप लोग कीजिएगा, करोड़ों किसान हैं, तो औरों का कब लाभ होगा, कब लाभ पहुंचेगा? तो महोदय इसलिए हम ज्यादा समय ना लेके अपने बात को यही समाप्त करते हैं, और चाहेंगे कि सरकार अपने उत्तर में फिर से दोहरा रहे महोदय, सरकार अपने उत्तर में बिहार को सुखाड़ घोषित करे। श्री मेवालाल चौधरी, कौन सी के सूचना पर है? तो आपने सुना, साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कई अहम बातें कही हैं, और ये भी कहा है कि जब जवाब दे सरकार, जवाब देने के लिए समय तय किया गया है करीब 30 मिनट का, उस दौरान उन्होंने उम्मीद ये की है कि सुखाड़ घोषित किया जाए।